यूं तो सामाजिक कार्यों में लगा यह संस्थान पिछले 5 सालों से महिलाओं के सामाजिक स्तर और उत्थान करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इन दिनों इस संस्थान की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे सस्ते स्वच्छ और स्वच्छ सेनेटरी पैड के लिए खासा चर्चा में है। महिलाओं की समस्या को कम करने के लिए इस संस्थान में महिलाओं के द्वारा सस्ती दरों पर सेनेटरी पैड बनाए जा रहे हैं और इसका निर्माण कार्य करने में हाइजीन का खास ख्याल रखा जा रहा है। महिलाओं द्वारा सेनेटरी पैड निर्माण के समय सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज के लिए किया जाता है, उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स और कैप को लगाकर पैड बनाने का काम किया जाता है। यह सैनिटरी पैड मैनुअल यानी कि बगैर किसी मशीन के सहारे बनाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं मशीन से पैड बनाना नहीं चाहती, लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण मशीन नहीं उपलब्ध हो पा रही, इसलिए संस्था की महिलाओं के द्वारा यह काम बगैर मशीन के लिए किया जा रहा है। इस तस्वीर में महिलाओं के द्वारा हाथ से बगैर किसी मशीन का उपयोग के सेनेटरी पैड बनाया जा रहा है। साफ सैनिटाइज रुई और पट्टी नैपकिन का इस्तेमाल करके इन सैनिटरी पैड का निर्माण किया जा रहा है। संस्था के संचालक संचालिका रूबी जैनब ने बताया कि महिलाओं की इस समस्या से वह किशोर अवस्था से वाकिफ हैं और कई बार समस्याओं का सामना भी किया है। रूबी खान जी, ये जो एक और रूबी जैनब है जी, काम कौन सा काम कर रही है? आप लोग बड़ा काम कर रही हैं जी, क्यों लगा आप काम करना चाहिए इस पर? ऐसा ये काम कौन सा काम कर रही है आप लोग? मैं नैपकिन बनाने का। तो कितना पैसा मिल जाता है आपको दिन भर में? दिन भर में तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, इसमें माल ही नहीं आ रहा इतना जो पैसा बने। दो तीन पैड आते हैं रुई के बंडल, उसमें मिल नहीं पाता हम लोग को काम, और ये बहुत कम पैसे हम लोग को मिल रहे हैं अभी। अच्छा, ये काम आप जो काम कर रहे हैं, काम कैसा काम है? काम बहुत अच्छा है, हम लोग औरतों के लिए अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षा करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इसमें माल मिलना चाहिए, हमको हमारी मेहनत मिलना चाहिए। अच्छा, कितनी खुशी होती है बच्चों से बात करते हैं बारे में आप? जी समझाती भी हूँ जी। क्या कहती हैं और क्या संदेश समाज बच्चियों के लिए आपका? बच्चियों को यही था जो पहले गंदगी थी समाज में, वो गंदगी हट जाए और स्वच्छता की ओर बच्चियाँ बढ़े। रजिया ये बताइए, जो आप लोग काम कर रही हैं तो इसे कितना अच्छा काम मानती हैं आप? बहुत अच्छा काम है, करने में बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को समझाते हैं, बहू बेटियों को समझाते हैं, बेटा सुरक्षित रहो, ये सफाई की चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल करो, वो सब चीज़ बताना पड़ती है बच्चों को। बात करती हूँ जी, फर्क आ रहा है इससे? हाँ, पहले जो बच्चे करते थे वो अब जो तरह से बताए तो उस तरह से लड़कियाँ करती हैं, समझती हैं कि हाँ ये हमारी माएँ बता रही हैं, करना ज़रूरी है। साफ सफाई कितनी आवश्यक है सेहत के लिए? डॉक्टर सुभान रफी आपकी सरपरस्त हैं, बताइए क्या समझाया? साफ सफाई बहुत अच्छी चीज़ है, साफ सफाई होना ज़रूरी है। मैम, ये जो आपने काम कर रही, अच्छा काम है, क्यों लगा, कैसे काम कर रहा है? मैं मेडिकल प्रोफेशन में लगभग 47 साल से हूँ, जिसमें कुछ 8-9 साल पढ़ाई के और 39 साल से मैं बांदा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक बहुत बड़े शहर अदब व तहजीब के शहर लखनऊ से आई थी, ये बहुत ही छोटी जगह थी मेरे लिए। यहाँ आकर मैंने देखा कि लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ सैनिटरी पैड की जगह इस्तेमाल करते हैं, कभी वो मिट्टी, कभी वो राख, कभी वो गंदे कपड़े, और कभी कभी कपड़े धो धो के बार बार यूज़ करते थे। इतने सालों में मैंने देखा कि इससे उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ तक कि उससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत दिन से था। मेरा जो चिराग फाउंडेशन है, मैंने चाहा कि मैं उससे करूं, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि चिराग फाउंडेशन तो बहुत काम कर रहा है, तो आइए हम क्यों ना किसी इस तरह के NGO या किसी इस तरह की संस्था को हम सपोर्ट करें जो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी उतनी अच्छी नहीं है और जिसका कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ रूबी जैनब हैं अलफिज़ा संस्थान से, जो बहुत समाज सेवा कर रही हैं
और PSLV में भी है, तो मैंने सोचा, और अक्सर वो मुझसे कहती थी कि मुझे किसी तरह की गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, तो मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट जो स्वच्छ सस्ते सैनिटरी नैपकिन का है, ये मैं अलफिजा संस्थान को दे दूँ। देखिए अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में है, प्रारंभिक स्तर पे अभी है, अभी इसका 7-8 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, लेकिन उस उद्घाटन से इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ। पेपर में न्यूज़ पढ़ के ही बहुत सी लड़कियाँ मेरे पास आई कि हम भी ये काम करना चाहते हैं और आप हमें बताइए कि हम कैसे करें। अभी तो ये है कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता हमने भी दी है और भी बहुत से लोगों ने दी है, जिससे कि उन्होंने वो पहले अपने पैड बनाए, उनके रैपर बनाए, उसके ऊपर जो प्रिंट रहता है वो बनाए और उसको महिलाओं से करवाएं और प्रति पैड के हिसाब से कुछ उन्हें इनिशियली 1-2 रुपए दें, जिससे कुछ तो सस्ते दामों पर लोगों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होगा, क्योंकि कोई भी सैनिटरी नैपकिन 40-50 रुपए से कम है नहीं, और जिसके घर में बहुत सी हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, माँ हैं, तो उनको ये अक्सर महंगा पड़ जाता है। ये अभी तो हम 10-15 रुपए का ही रखेंगे, इसको 10-15 रुपए का ही रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कुछ दिनों तक इनको आर्थिक सहायता हम ही लोग देते जाएं, ताकि इनके पास धन इकट्ठा हो जाए और ये अपना रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है, गौज है, पॉलीथीन है, प्रिंटेड मटेरियल है, इसके लिए कुछ धन इकट्ठा हो जाए। अच्छा, ये एक मूवी आई थी पैडमैन, जी, ये इंस्पिरेशन वहाँ से आपको आई क्या? नहीं, ये पैडमैन से पहले का मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में पहले आया था, लेकिन चिराग फाउंडेशन के पास इतना काम है और मतलब हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम मेनली जो है कि जब मैं 1982 में बांदा में आई तो मैंने देखा कि यहाँ तो वो लड़कियों को या तो पढ़ाते ही नहीं हैं या 5वें-8वें के बाद उनकी शादी कर देते हैं, और पैदा होते ही उनको ये लगता है कि बस इसको शादी करनी है, तो मैंने देखा कि लोग लड़कियों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं और उसकी मेन वजह आर्थिक ही है। तो पहले मैंने शुरू में तो अपने स्टाफ से ही शुरू किया, क्योंकि अक्सर हम लोग प्राइवेट संस्थानों में जो सैलरी स्टाफ को देते हैं वो पर्याप्त नहीं होती, तो मैंने उनको एक सपोर्ट के रूप में उनके बच्चों को अडॉप्ट करके और पढ़ाना शुरू किया। तो कम बहुत 20-25 साल पहले, मुझे बांदा में 38-39 ईयर्स हो गए, मैंने यही किया। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा तो दिमाग में चिराग फाउंडेशन का एक सोच आई कि हम इस तरह से लड़कियों को हेल्प करें, पढ़ाई के लिए गोद लें, तब तक मैं अपनी पारिवारिक और अपनी प्राथमिकताओं से भी मुक्त हो गई थी, तो तब मैंने लड़कियों को गोद लेना शुरू किया और आज चिराग फाउंडेशन वही कर रहा है, लड़कियों को गोद लेके पढ़ाता है। तो अब जब हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हम किसी छोटी संस्था को ये काम दे दें, हम मार्गदर्शन करते रहेंगे और वो आगे काम करते रहेंगे। हाइजीन कितना है? हमने देखा वहाँ पर जो काम हो रहा है, हमें लगता है कि शायद साफ सफाई की कोई ऐसी चीज आपने देखी हो, तो क्या 100% हाइजीन है या? देखिए, ये तो वैसे करीब करीब हाइजीनिक है, क्योंकि वो जगह मैंने कहा है कि जब भी तुम पैड बनाओ, जो मैंने बनाया है, हाँ, कि उसको सैनिटाइज कर लो, तुम सैनिटाइज़र हमसे फ्री में ले जाओ, हम पास फ्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दे जाते हैं, वहाँ पर धुलाई फिनाइल से आप करिए, जब आप पैड बनाना शुरू करें तो उसको सैनिटाइज हाथ से में सैनिटाइज़र लगा लीजिए, और ये मार्केट में जो कॉटन होती है पूरी हाइजीनिक होती है, और गौज तो अभी तो हम लखनऊ से ख़रीद के लाए, 40-40 मीटर का गौज हम एलाइट सर्जिकल से ख़रीद के लाए, वो भी हाइजीनिक होता है, एंड इट इज़ मच बेटर देन द क्लॉथ्स यूज बाई दी विमेन एंड गर्ल्स। आपके सुपरविजन में बिल्कुल हाइजीनिक काम हो रहा है? हाँ, हाइजीनिक काम है भाई। अब जल्दी से पूछिए। हाँ, हाइजीनिक बिल्कुल ठीक है, स्वच्छ, इसीलिए उसमें स्वच्छ लिखा है, स्वच्छ लिखा है, क्योंकि जो अभी तक महिलाएं यूज कर रही थी वो तो बहुत ही अनहाइजीनिक था।